आखिर वो तुम्हारे हाथ से कैसे निकल गया? कैसे? तुम और तुम्हारे आदमी एक बूढ़ा दरवेश काबू ना कर सके। मेरे आका सलाउद्दीन उसके साथ था। जैसे ही हमने उमर मल्ला पे हाथ डाला, अचानक जैसे जमीन से उगाए लोग और हम पर टूट पड़े। सलाउद्दीन ताबूत सगीना महल ले गया है, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा उसे हासिल करना। अगर ये बात फैल गई तो गजब हो जाएगा मेरे आका, तमाम यहूदी हंगामा खड़ा कर देंगे और आप जानते हैं यह हमारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरे आका अब हम क्या करें? मदीना से अगर तुम्हारे आदमी मुसलमानों के पैगंबर का जसद चोरी कर लेते हैं तो सलाहुद्दीन सौदा करने के लिए तैयार हो जाएगा मुझसे। दिन रात खुदाई में लगे हुए हैं मेरे आदमी। रुकनी नहीं चाहिए, हम ताबूत सकीना कल तक वापस ले लेंगे उनसे, चाहे कुछ हो जाए। हम मस्जिद के करीब पहुंचने वाले हैं, अब सिर्फ यही एक दीवार है और फिर हम दोनों पैगंबर की कब्र के अंदर। या रसूल अल्लाह, आप कहाँ हैं? मैं आपके कदम बोसी के लिए आया हूं। आपका वजूद पुरनूर, आपका चेहरा मुबारक कहाँ है? चले आओ नूरुद्दीन, अल्लाह के रसूल तुम्हारे मुंतजिर हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल-मदद, हाथ थाम लीजिए मेरा। या रसूल अल्लाह मदद, अल-मदद, या रहमतुल आलमीन, या रसूल अल्लाह मदद। आप कौन? तुम्हारी ही तरह पैगंबर खुदा का एक आशिक। मैंने ही पुकारा था तुम्हें, यहां तुम्हारी रहनुमाई करने के लिए हूं मैं। यहां कुछ दिखाई क्यों नहीं देता? धुंध क्यों है? हमारे नबी का रोजाए मुताखर कहां है? अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मद व अला व आले मोहम्मद। तुम्हें यहां बुलाया गया है, खुद नहीं आए। यहां पैगंबर अलैह सलाम की दावत पर आए हो तुम। अल्हम्दुलिल्लाह, मुझ जैसे हकीर के लिए रसूल अल्लाह की दावत एक शर्फ है। तुम्हें यह शर्फ बख्शने का मकसद एक जिम्मेदारी का सौंपा जाना है। मेरे तो नसीब ही जाग उठे, इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है?
लेकिन वो जिम्मेदारी क्या है?